ऋषिकेश के मायाकुंड में त्रिवेणी घाट के पास दूसरी मंजिल पर बने एक कैफे में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। घटना में कैफे के अंदर रखा कीमती सामान जलकर राख हो गया। बता दें, सुबह करीब 5 बजे लगी आग की घटना से आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई थी। तेज हवा चलने की वजह से आग तेजी से फैलती हुई दिखाई देने लगी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। 5:25 में हमारे स्टेशन में सूचना मिली कि आग लगी है। हमने तुरंत ही एक फायर यूनिट घटना स्थल के रवाना करी। यहाँ आके देखा तो छत के ऊपर काफ़ी अस्थायी निर्माण किया गया था, जिसमें बल्लियाँ थी, बहुत तेज़ी से जल रही थी। हमारे द्वारा तुरंत एक्शन लिया गया, तुरंत आग पे अटैक किया गया। आग ऊपर पर सबसे पहले छत में चढ़ के हमने आग बुझाई गई। आग छत पे चढ़ने के बाद हमने नीचे देखा कि पेड़ में भी आग लगी है। पेड़ में आग बुझाई गई, हमारा दूसरा टैंकर मंगाया गया पानी का। फिर हमने पेड़ पे भी पूरी तरह से आग बुझाई और पूरी तरह से सभी आसपास वालों को पूछा गया, तुम्हारे वहाँ कोई ऐसे आग की कोई दुर्घटना की संभावना तो नहीं है? सब बुझ चुकी है, सब ने कहा बुझ गई है। फिर हम अब क्या कारण हो सकता है आग लगने का, ये अभी सब इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसके बारे में थोड़ा जांचा जाएगा, पूछा जाएगा, तभी इसके बारे में जानकारी मिल पाएगी। गनीमत रही कि आग दूसरे घरों तक नहीं पहुंची, जिससे बड़ा जान माल का नुकसान होने से बच गया। हालांकि एक पेड़ भी आग की चपेट में आकर जल गया। आग लगने की वजह भी स्पष्ट नहीं हो सकी है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी आग लगने के कारणों की जांच कर रहे हैं। बता दें, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने का अनुमान लगाया जा रहा है। दूसरी मंजिल पर बने कैफे में लकड़ी और घास का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से मिनटों में ही कैफे जल कर राख हो गया। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के लिए ऋषिकेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। We'll be right back.